पैसा एक ऊर्जा है, उसको कागज समझने वाला वो जाए तो रोएगा। ऊर्जा को कैसे अपने में संग्रहित किया जाता है वो जान लें तो रुपये को आकर्षित करने की शक्ति उसमें आ जाएगी। आज आप में एक बीज डालने वाला हूं जो अंदर जाने के बाद आकर्षण की शक्ति आप में आएगी। आपको पहले ही मैंने बताया कि ये उंगलियां सब विभिन्न तत्वों के हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, वैसे ही विभिन्न अंकों में भी विभिन्न शक्तियों को खींचने की ताकत। आपने कभी देखा हो या सुना हो तो यंत्र बनाए जाते हैं जिन यंत्रों में विभिन्न अंक लिखे जाते हैं, नंबर्स। वो अलग अलग नंबर का जोड़ जब इकट्ठा होता है तो कोई यंत्र बीमारी मिटाने वाला, कोई यंत्र भूत भगाने वाला, कोई यंत्र धन को खींचने वाला, कोई यंत्र विभिन्न कामना पूरा करने वाला, सगाई शादी कराने वाला, पुत्र देने वाला, दुनिया भर का काम वो अंकों का यंत्र करता है। कैसे करता है? क्योंकि उन नंबरों में वो जादुई ताकत होती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींच के हमारी इच्छाओं को पूरी करती है। यंत्रों में नंबर बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। एक यंत्र शत्रु को भगा देता है तो एक यंत्र शत्रु में भय उत्पन्न करता है, तो एक यंत्र मित्र को आकर्षित करता है, तो एक यंत्र दो व्यक्तियों में दोस्ती तोड़ देता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के यंत्र सिर्फ कुछ नंबर को बदलाने से बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा रहस्यमय अंक है जो भारतवासी नहीं जानते और भारत के कोई भी व्यक्ति नहीं जानते, विश्व भर के लोगों के लिए ये जो नंबर अगर हृदय में बैठ जाए तो उसके बाद वो 100 रुपया खर्चा करेगा तो 500 रुपया खींच के उसके पास आएगा। अभी आप देखोगे तो कितना भी बड़ा डॉक्टरी पढ़ाई किया हुआ हो तो उसकी पढ़ाई होने के बाद उसको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में डाला जाता है कि तू पहले ट्रेनिंग ले। आप मेरा कोई भी उपयोग करते हो तो उसी दिन परिणाम को देखोगे कि भाई आज कर दिया अभी परिणाम आएगा, तो फिर आप जरूर धोखा खाओगे, क्योंकि डॉक्टर के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इन सब उपायों को विश्वास से करके माहिर हो जाओगे और वो आपके अंदर अच्छे से बैठ जाएगा तो उसके बाद वो अपना काम ऐसा करेगा कि आप रोक के भी सुख और समृद्धि रुकेगा नहीं, आके ही रहेगा। अब मैं जो उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करते समय आप इसमें ट्रेंड होना जरूरी है। एक दिन कर दोगे ना आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये करने के बाद ये ऊर्जा को खींचने वाली शक्ति बन जाती है। विभिन्न प्रकार के संदर्भों में, विभिन्न प्रकार के सिचुएशन में ये पैसे को खींचने वाला ताकत बन जाता है। भारत समृद्धिमय देश बने और ये समृद्धि दान वीर कोई एक आधा नहीं होता, घर घर में हर व्यक्ति दान करने की ताकत होता है, कोई दान लेने के को लिए कोई बाकी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति को खड़ी करें, ये प्रार्थना है। अब आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। नंबर वन, आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो भगवान की पूजा करने, दर्शन करने जाते हैं वो लोग शुद्ध धोती और उस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं जहां कोई भी स्टिचिंग नहीं हो, कोई भी टुकड़ा करके स्टिच नहीं किया हो, ऐसा ही धोती गमछा पहन के जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि जहां भी कोई कट हो वहां से ऊर्जा निकलता है। इसीलिए आजकल तो कई लोग जिब्बा कुर्ता पहन के भी मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि आप अगर शुद्ध धोती, नया धोती गमछा या बगर सिया हुआ कोई वस्त्र पहन के जाओगे तो वहां जो दैविक ऊर्जा प्रकट हो रही है मूर्तियों में, मंदिर में, उसको पूरी तरह से आप घर लेके आओगे, क्योंकि स्टिच्ड क्लॉथ्स विल डिस्ट्रॉय योर फोर्स ऑफ पावर। आपकी ऊर्जा शक्ति को ये सिली हुई वस्त्र तोड़ देती है, काट देती है। मंदिर कभी भी जाओ तो धोती गमछा पहन के जाना चाहिए। स्त्रियों को नया वस्त्र पहन के, साड़ी हो, कोई भी वस्त्र चूड़ीदार हो, नया वस्त्र पहन के जाना चाहिए, तो उन वस्त्रों में शक्ति को खींचने की ताकत होती है। आप जीवन में कभी भी किसी को रुपया देते हैं, भले पूरा सूटकेस का सूटकेस थमाएं, भले थैली थमाएं, सिंगल नोट थमाएं के कट्टा, आपको बताऊं कि आप कुछ भी दें उस समय, सूटकेस दें, थैली दें, गड्डी की गड्डी दें या एक सिंगल नोट दें, आप मन में 708 ये नंबर को सोच के दें। आज मैं आपको ये गुरु मंत्र दे रहा हूं। कभी मैं जीवन में कोई भी मंत्र भगवान का या देवताओं का किसी को गुरु मंत्र बोल के दिया नहीं है,
क्योंकि मैं मंत्र दीक्षा किसी को देता नहीं हूं। 20 साल में किसी एक व्यक्ति को भी मैंने मंत्र दीक्षा नहीं दिया है। मैं ये सब व्यापारिक वस्तुओं से दूर रहता हूं, लेकिन इसको गुरु मंत्र इसलिए बोला कि आपको ये अंक अच्छे से काम करेगा, ये विश्वास आ जाए, आप समृद्ध हो जाएं, आपका कल्याण हो जाए। ये कारण से मैं कह रहा हूं कि आपको आज मैं ये नंबर दे रहा हूं कि जब भी किसी को आप कुछ भी देते हो, मन में बोलो 708। आप जिस भाषा में 708, 708 जो भाषा में आप बोलते हो, उस भाषा में आप वो नंबर को याद करके पैसा दो। ये नंबर बोलते हो तो जो पैसा दिया है वो पैसा उसके पास चले जाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा, जैसे ही आप 708 बोलते हो, वो ऊर्जा आपके पास रह जाएगा। और जब भी आप मनी की एनर्जी को अपने पास सेव कर लेते हो, वो एनर्जी वापस पैसे को इकट्ठित करके, आकर्षित करके आपके पास लाके ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद 100 खर्चा करो तो 1000 आए, कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कब काम करेगा महाराज? जब आप पहली दिन बोलोगे 708, एक बार भूल जाओगे, अरे भूल गया, बोलना चाहिए। जब वो अच्छे से आपके अंदर बैठ जाएगा कि जब भी पैसा उठाते हो मन में 708 बैठ गया, यानी आपके माइंड में मैं देता हूं, लेता हूं, कुछ भी करता हूं तो 708 याद आता है। इतना स्ट्रांग सबकॉन्शियस माइंड में 708 जिस दिन बैठ जाएगा, फिर 708 प्रकार के मेहनत करने नहीं पड़ेंगे। ये नंबर ही एनर्जी को खींच खींच के आपके पास ऐसा पैसा लाएगा कि आप बोलोगे महाराज वाह, मेरे बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे माँ की बीमारी के लिए मैं इलाज कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी जो चाहती थी वैसा मैं घर में चीजें लाके इकट्ठा कर पा रहा हूँ, मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ और आसपास के लोगों के दुख को मिटाने जितना समृद्ध हो गया हूँ। महाराज आपको धन्यवाद। जिस दिन आप मुझे एक धन्यवाद का मैसेज बोलोगे तब मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। आपको आज मैंने एक नंबर दिया, जब भी पैसा दो, लो, कुछ भी करो 708 बोलो। ये 708 अंक क्या है ये बता दूं, 7 इस तरफ 8 बीच में 0, ये 7 और 8 को मिलाओगे तो 15 आएगा और 15 एक और 5 को मिलाओ तो 6 आएगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि आप क्या कर रहे हो। 6 शुक्र का नंबर है और शुक्र डायरेक्ट जब आता है तो उसके लिए साधना और सिद्धि जरूरत पड़ती है। 7 के बीच में जो 0 आया है वो शुक्र के आसपास रहने वाले बुध और इस तरफ गुरु को बैलेंस करने वाली शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को जब बैलेंस करके 708 बोलोगे तो वो बैलेंस से जो नई एनर्जी क्रिएट होती है, आप 100 रुपया खर्चा करो तो 1000 रुपए को खींचने की ताकत लाएगी। इसको क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का सिंबल बोल सकते हैं, भारतीय विद्या का महान रहस्यमय समृद्धि आकर्षण या अंक बोल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, ना कोई टोटका करना ना टोना, पैसा जब भी दिया मन में 708 जिस दिन 708 दिल में बैठ जाएगा, 708 घर और 708 गाड़ियों के मालिक भी आप बन सकोगे। ताकत ऐसा आएगा कि जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। एक बात समझाऊं कि ये तो पैसा नहीं है क्योंकि मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, इसलिए ये तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसा एक एनर्जी है। और आप तो बताया कि सिले हुए कपड़े में वहां से एनर्जी जाती है, तो पैसे से भी एज से ही एनर्जी जाती है। 708 बोल के तो देना ही है, लेकिन कभी नोट दो, गड्डी दो, पूरी थैली की थैली दो या सूटकेस भर के दो। देते समय सूटकेस आपकी तरफ होनी चाहिए, उसका हैंडल आपकी तरफ हो और दो। थैली हो उसका थैली का सामने का भाग आपकी तरफ हो और दो जिसको देना है। गड्डी हो गड्डी को मोड़ के उसका एज, जैसे ये गड्डी समझ लीजिए, इसको मोड़ के इसका एज आपकी तरफ हो, ऐसा करके सामने वाले को दो। सिंगल नोट भी देते हो तो ऐसा मोड़ के धन्यवाद, जल्दी भरपूर संख्या में वापस आना, ये बोल के वापस दो। आज के मनोविज्ञान ने ये साबित कर दिया कि गाड़ियों को प्रेम से, कार हो, टू व्हीलर हो, साइकिल हो, प्रेम से थपकी देके बोलते हैं कि धन्यवाद, तू मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, तुझे मैं बहुत प्यार करता हूं। ऐसे दिल से ये गाड़ी को बोलते हैं तो भी वो गाड़ी का मेंटेनेंस कम हो जाता है, रिपेयरिंग कम हो जाता है और हमारे लिए वो खूब काम करने लगता है। जड़ वस्तुओं पर भी मन के भावों का प्रभाव अद्भुत रूप से काम करता है। मैंने ऑरा स्कैनर से ये कई बार साबित किया है, कई लाखों लोगों को साबित किया है। तो आप भी
इनको जड़ मत समझना, आपके घर को जड़ मत समझना। जो आपको सोने के लिए जगह दे रहा है, आपको नींद के लिए जो जगह दे रहा है, पलंग, आपका बेडरूम, उन सबको एक बार धन्यवाद बोलने की कोशिश करो। किसको नींद नहीं आ रही है, हजार गोली ले रहा है, पहले तुझे सोने के लिए जगह दे। उस पलंग को कभी धन्यवाद बोला है? जिस जगह में तू नाता है, उस बाथरूम को भाई तू मुझे स्थान देता, वहां से मैं ताजा होके आता हूं, तुझे धन्यवाद कभी बोला है? हमारा जीवन शिकायतों से भरा है, और जिस दिन हमारा जीवन धन्यवाद से भर जाएगा, समृद्धि से तो वैसे ही भर जाएगा वो जीवन, जिस दिन हम धन्यवाद से जीवन को भर देंगे। कभी भी किसी को नोट देते हो, थैंक यू बोल के देना सीखो, उसको नहीं, सामने वाले को नहीं, नोट को। तू आया तभी तो मैं दे सक रहा हूं तुझे धन्यवाद। वापस अनंत गुना बन के आना, बृहत संपत्ति बन के आना, बृहत समृद्धि बन के आना, ये भाव करके देखो। जिस जीवन में धन्यवाद और उपकार की भावना है, उस जीवन में समृद्धि की, सुख की कमी नहीं आ सकती। जो शिकायत करता है वो कमी को घर में बढ़ाता है, जीवन में बढ़ता है, और जो जो अच्छी चीजें अपने पास है उसको देखने की दृष्टि रखता है, वो अच्छाई को और बढ़ाता जाता है। मेटीरियल अट्रैक्ट्स द मेटीरियल वाला विज्ञान को समझ लोगे तो आप जिस चीज पर नजर डालते हो वही बढ़ता है। मैं तो ये मंत्र वंत्र इसलिए सिखाता हूं कि समाज खुश हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र तो ये है कि हम शत्रुओं को देख के जलना छोड़े, दुखी होना छोड़े, हमारी परेशानियों को देख के परेशान होना छोड़े, सुख की ओर ध्यान लगाएं। जिस दिन आप सुख की ओर ध्यान लगाओगे वो सुख अनंत गुना होके आपके जीवन में बढ़ेगा। हम कभी भी हमारे पास क्या नहीं है उसमें नजर डालते हैं तो हम जिसमें नजर डालते हैं वो बढ़ता जाता है। क्या चाहिए उसमें नजर डालो, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। आज आपको एक 708 वाला अंक देखे पूरे विश्व को ताकतवान, पूरे भारत को समृद्ध और शक्तिवान बनाने की प्रयास में मैंने ये कदम और आगे बढ़ाया है। हर एक को ये 708 प्रकार का सुख और समृद्धि देने वाला बने, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।